अध्याय 14 सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र संवाद अध्ययन से पूर्व। बच्चों, हमें हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। दादी जी, ये सत्य की राह कैसी होती है? कल्याण की भावना को हृदय में बसाकर चलने वाला व्यक्ति ही सत्यवादी होता है। बच्चों, तुम्हें भी इसी राह का अनुसरण करना चाहिए। क्यों दादी जी? क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होती है। संवाद का मूल तत्व। प्रस्तुत संवाद में यह बताया गया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ न छोड़ने वाले आदर्शवादी राजा हरिश्चंद्र के पद चिन्हों का हमें अनुसरण करना चाहिए। पर्दे के पीछे से सतयुग की बात है। हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। वे क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। वे बड़े सत्यवादी तथा दानी थे। एक दिन उन्होंने अपना राज्य मुनि विश्वामित्र को दान में दे दिया। कुछ दिन बाद मुनि विश्वामित्र पधारते हैं। हरिश्चंद्र, प्रणाम मुनिवर, आसन ग्रहण कीजिए। विश्वामित्र, बैठे बैठे, राजन आपने मुझे पहचाना कि नहीं? हरिश्चंद्र, हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो सर्वज्ञ हो, त्रिलोक में ऐसा कौन है जो भला आपको ना जानेगा? विश्वामित्र, मैं आपसे आज कुछ मांगने आया हूँ। हरिश्चंद्र, अहो भाग्य मेरे, बताइए आपको क्या चाहिए? विश्वामित्र, मुझे आपका समस्त राज्य चाहिए। राजन, कहीं आप अपना दान किया राज्य वापस तो ना मांग लेंगे? हरिश्चंद्र, महाराज, सारी पृथ्वी आपकी, मैं आपका। दान दी हुई वस्तु को मैं कभी पुनः प्राप्ति की इच्छा में नहीं लाऊंगा। सुनिए, यह मेरी प्रतिज्ञा है। चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। विश्वामित्र, अब महादान की दक्षिणा कहाँ है? हरिश्चंद्र, वह भी दूंगा मुनिवर। क्या हुआ यदि खजाना अब मेरा नहीं है परंतु मेरा शरीर तो है? विश्वामित्र, एक महीने उपरांत यदि मुझे शरीर रूपी दक्षिणा ना मिलेगी तो मैं तुम्हें कठिन भ्रम दंड दूंगा। हरिश्चंद्र, मुनिवर, मैं भ्रम दंड में उतना नहीं डरता जितना सत्य दंड से। नेपथ्य से राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ अयोध्या को छोड़कर काशी वाराणसी आ गए, क्योंकि अयोध्या नगरी वह विश्वामित्र को दान कर चुके थे, परंतु अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अभी उनका महादान की दक्षिणा देना बाकी था। हरिश्चंद्र, आहा, धन्य है यह काशी, तुम्हें अनेक प्रणाम है। काशी की शोभा कैसी निराली है, इसे देख मन चित्त अति प्रसन्न हुआ। चला जा रहा है किंतु विश्वामित्र जी को राज्य दान करके जितना चित्त प्रसन्न नहीं हुआ उतना अब बिना दक्षिणा दिए दुखी होता है। हाय, कितने कष्ट की बात है, राजपाट धन धाम सब छूटा, अब दक्षिणा कहाँ से दूंगा? क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ सोचकर मैं उस बाजार में खड़े सेठ को स्वयं को बेच दूंगा ताकि मेरे द्वारा प्राप्त मुद्राओं में से मुनिवर का ऋण उतार सकूं। यदि सेठ तुम्हें और पुत्र रोहिताश्व को भी खरीद लेगा तो अच्छी बात होगी। अच्छा तो चले। हाय, ऋण भी कैसी बुरी वस्तु है। इस लोक में वही मनुष्य कृतार्थ है जिसने ऋण चुका देने का कभी क्रोधी और क्रूर लेन देन की लाल लाल आंखें नहीं देखी है। शैव्या, आर्य पुत्र, ऐसे समय में हमको छोड़ जाते हो। को अर्धांगनी कहते हैं, इसलिए पहले बायां अंग बेच लो तब दायां अंग बेचो। बालक, हमको भी कोई मोल ले लो तो बला उपका लो। नित्या, शैव्या को घर का काम काज करने के लिए एक व्यक्ति ने खरीद लिया। पुत्र भी साथ में था। हरिश्चंद्र को एक शमशान मालिक ने खरीद लिया। इस प्रकार प्राप्त धन से हरिश्चंद्र ने दक्षिणा चुकाई। शमशान मालिक हरिश्चंद्र से, जाओ अभी दक्षिणी मसान ले, वहाँ कफन को दान, जो कर तुमको नहीं चुकावे सो कर ये करनी ही नहीं पावे। चलो घास पर करो निवास, भय आज से हमारे दास। हरिश्चंद्र, जो आज्ञा। शैव्या और बालक अन्य स्थान पर। शैव्या, बेटा गुरुजी पुकार रहे हैं, उनको जल्दी दूध और बेलपत्र दो। हाय, क्या हुआ तुम्हें, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बालक, माँ, मैं गुरुजी को फूल देने गया था, वहाँ काले सांप ने मुझे काट लिया। इतना कहते ही बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। शैव्या रोती हुई,
हाय बेटा, बाप ने छोड़ दिया और अब तुम भी छोड़कर चले गए। अब बुढ़ापे में मेरी क्या गति होगी। रोती हुई शैव्या रोहिताश्व का शव लेके शमशान आती है। थान शमशान में कंबल ओढ़े और एक मोटा लच लिए हुए हरिश्चंद्र दिखाई पड़ते हैं। सामने चुनरी की ओर लिए शैव्या की रोने की आवाज सुनाई देती है। हरिश्चंद्र, शमशान पति की आज्ञा है कि आधा कपने दिए बिना कोई मुर्दा ना फूकने पाए, इसलिए तुम भी पहले हमें कपड़ा दो, तब किराया कराओ। शैव्या अपने पति को पहचान कर रोती है। नाथ, मेरे पास तो एक भी कपड़ा नहीं था, आचल फाड़ कर इसे लपेट लाई हूँ, उसमें से भी जो आधा दे दूँ तो यह खुला रह जाएगा। हाय चक्रवर्ती के पुत्र को कफन भी नहीं मिला। हरिश्चंद्र, प्यारी रो मत, धीरज धर, स्वामी की आज्ञा है यदि तुमसे आधा कपने ना लूं तो बड़ा अधर्म होगा। जिस हरिश्चंद्र ने अभी तक धर्म ना छोड़ा उसका धर्म आधा गज कपड़े के वास्ते मत छुड़ाओ। कफने से जल्दी आधा फाड़ कर करके रूप में मुझे दे दो। शैव्या, नाथ जो आज्ञा। शैव्या कपड़ा फाड़ने लगती है। उसी क्षण मुनि विश्वामित्र और देवगण प्रकट होते हैं। विश्वामित्र, पुत्री अब शोक मत कर, धन्य तेरा सौभाग्य कि तुझे राजश्री हरिश्चंद्र जैसा पति मिला। वत्स, रोहित ताश्व उठो, देखो तुम्हारे माता पिता कितनी देर से तुम्हें मिलने को व्याकुल हो रहे हैं। रोहित ताश्व उठ जाता है। आकाश से पुष्प वृष्टि होती है। श्री महादेव, पार्वती, भैरव, धर्म, सत्य और इंद्र सभी आ जाते हैं। विश्वामित्र, हे राजन, मैं तुम्हारी सत्यता निष्ठता से अति प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य इनाम स्वरूप भेंट करता हूँ। सब धन्य महाराज, हरिश्चंद्र धन्य, जो आपने किया सो किसी ने ना किया, सब आशीर्वाद देते हैं। हरिश्चंद्र, प्रभु आपके दर्शन से सब इच्छा पूर्ण हो गई। अब मेरी इच्छा है कि सत्य सदा पृथ्वी पर स्थिर रहे। भगवान एव मस्तु, ऐसा ही होगा। पुष्प वृष्टि ने पथ्य से राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य वापस मिल गया। शब्दार्थ, कुल अर्थात वंश, खानदान परिवार, मुर्दा अर्थात शव, सत्यवादी अर्थात सत्य बोलने वाला, त्रिलोक अर्थात तीन लोक, अहंकारी अर्थात घमंडी, दक्षिणा अर्थात दान पश्चात दी गई राशि, सहस्त्र अर्थात हजार, मूर्छा अर्थात बेहोशी की अवस्था, क्रिया मृतक का संस्कार, पुष्प वृष्टि फूलों की वर्षा, सौभाग्य अर्थात भाग्यवान, उच्चारण करे ब्रह्म दंड, सहस्त्र कृतार्थ अर्धांगिनी, विभस्त रोहिताश्व चक्रवर्ती, पुष्प वृष्टि अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका बच्चों को सदाचार के पथ पर चलने की प्रेरणा दे, साथ ही बच्चों को सत्य और कर्तव्य निष्ठ बनने हेतु प्रोत्साहित करे। इसके लिए शिक्षक शिक्षिका अन्य प्रकार के उदाहरण का भी सहारा ले सकते हैं, जिसे बच्चे आसानी से ग्रहण कर सके। अभ्यास कार्य, जरा बताइए, प्रश्न एक, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को क्या दान में दे दिया था? उत्तर, राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को अयोध्या नगरी दान में दी थी। ख, हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को क्या ग्रहण करने का आग्रह किया? उत्तर, राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को आसन ग्रहण करने के लिए कहा। ग, विश्वामित्र जी ने दान लेने के बाद राजा से किस वस्तु की मांग की? उत्तर, विश्वामित्र जी ने दान लेने के बाद राजा से दक्षिणा की मांग की। घ, अयोध्या नगरी छोड़ राजा हरिश्चंद्र किस नगरी आ गए थे? उत्तर, अयोध्या नगरी छोड़ राजा हरिश्चंद्र काशी नगरी आ गए थे। जरा लिखिए प्रश्न दो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, विश्वामित्र को वचन देते हुए राजा ने क्या प्रतिज्ञा ली? उत्तर, राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को वचन देते हुए राजा ने यह प्रतिज्ञा की कि वे दान दी हुई वस्तु को कभी पुनः प्राप्ति की इच्छा में नहीं लाएंगे। ख, हरिश्चंद्र ने पत्नी एवं पुत्र को किसे बेचा और क्यों? उत्तर, राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी एवं पुत्र को सेठ को बेचा ताकि दान के पश्चात विश्वामित्र जी को दक्षिणा देकर स्वयं को ऋण मुक्त कर सके। ग, राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य किस प्रकार पुनः प्राप्त हो सका? उत्तर, राजा हरिश्चंद्र की सत्यता निष्ठता देखकर विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए और उन्होंने पुनः अयोध्या नगरी राजा को भेंट स्वरूप दे दी।
इसी कारण से राजा को उनकी नगरी वापस मिली। घ हरिश्चंद्र के किन गुणों की ख्याति संसार में प्रसिद्ध हुई? उत्तर, राजा हरिश्चंद्र की निष्ठता सत्यता जैसे गुणों की ख्याति संसार में प्रसिद्ध हुई। प्रश्न 3, दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। घ मुनिवर डैश ग्रहण कीजिए। उत्तर आसन। घ महादान की डैश कहाँ है? उत्तर दक्षिणा। ग काशी की शोभा कैसी डैश है? उत्तर निराली। घ डैश किया गया है कि आधा कफने दिए बिना कोई मुर्दा ना फूकने पाए। उत्तर शमशान पति। डैश उठो, देखो तुम्हारे माता पिता कितनी देर से तुमसे मिलने को व्याकुल हो रहे हैं। उत्तर वत्स रोहिताश्व। जरा सोचिए। प्रश्न 4, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, इस कथन से आप क्या समझते हैं? सोच विचार कर अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 5, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। का ऐसा स्थान जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है। उत्तर शमशान। ख जिसका कोई शत्रु ना हो। उत्तर आजाद शत्रु। ग उच्च कुल से संबंध रखने वाला। उत्तर कुलीन। घ रात में घूमने वाला। उत्तर निशाचर। ळ जो जीने की प्रबल इच्छा रखता हो। उत्तर जजीवशा। प्रश्न 6, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य का निर्माण कीजिए। क धार्मिक। उत्तर काशी एक धार्मिक नगरी है। घ सत्यवादी। उत्तर राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे। ग सौभाग्य। उत्तर संसार में प्रत्येक वस्तु सौभाग्य से मिलती है। घ दारुण। उत्तर राजा हरिश्चंद्र को अपनी निष्ठता सत्यता के चलते कोई दरिद्र दुखी को गुजरना पड़ता था। ळ गति। उत्तर समय की गति कभी नहीं रुकती है। प्रश्न 7, नीचे दिए गए उपसर्गों के माध्यम से दो दो शब्दों का निर्माण कीजिए। क गैर। ख बु। ग त्वह। घ सत। ळ निर। प्रश्न 8, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। क सेठ। उत्तर सेठानी। ख विद्वान। उत्तर विदुषी। ग कवि। उत्तर कवित्री। घ देव। उत्तर देवी। प्रश्न 9, दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करके लिखिए। क प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित थे। उत्तर 100। ख श्याम बहुत अच्छा तैराक है। उत्तर अच्छा। ग एक कौवा अपने काले पंखों को फैलाकर खिड़की पर बैठ गया। उत्तर काले। घ सुलक्षणा ने रंजना के लिए अधिक भोजन रखा। उत्तर अधिक। ळ पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। उत्तर नीले। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 10, प्रस्तुत पाठ में विश्वामित्र नामक पात्र को एक कठोर स्वभाव वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्या सचमुच में सन्यासी का स्वभाव इतना कठोर होता है? कक्षा में चर्चा कीजिए। प्रश्न 11, प्रस्तुत संवाद को आधार बनाकर सत्य को केंद्र बिंदु में रखते हुए एक अनुच्छेद की रचना कीजिए। जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न 12, राजा हरिश्चंद्र की यह पौराणिक कथा अपनी मूल कहानी का अंश मात्र है, प्रस्तुत पाठ को आधार बनाकर संपूर्ण कहानी को कक्षा में सुनाइए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 13, सत्य का आचरण हमारे जीवन में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है, इस आचरण को समाज निर्माण में किस प्रकार उपयोगी सिद्ध करेंगे?